नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे IGL के बारे में। IGL की बात करें तो आज के दिन जिस टाइप के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, लगभग 20% के ऊपर, 20% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, मतलब कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। क्यों गिरावट हुई दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है। क्या इस गिरावट में हम इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, या बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में पहले से फंसे थे और फिर से फिलहाल देखा जाए अगेन इस स्टॉक में और भी ज़्यादा फंसते हुए दिख रहे हैं, तो क्या करना चाहिए दोस्तों? क्यों गिरावट हुई? क्या अभी फ्यूचर में और भी स्टॉक में गिरावट हो सकती है? क्या इस स्टॉक को बाई करें गिरावट में? जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। आगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 20% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी अगर मैं अभी फिलहाल सिचुएशन की बात करूँ तो जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम क्या फंस गए, देखिए फंस गए दोस्तों, ये तो सबसे 101% दोस्तों आप कह सकते हैं कि आप फंस ही गए हैं। अभी फिलहाल जिस टाइप से मार्केट में न्यूज़ अपने को देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल देखा जाए तो आप फंस ही गए हैं। क्या फ्यूचर में और भी गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए दोस्तों, फ्यूचर में और भी गिरावट देखने को मिलेगी, आप फंस गए तो अभी आपको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहला रीज़न कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई, तो देखिए दोस्तों, गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है आपसे बताना चाहते हैं कि जो बैक टू बैक गवर्नमेंट ने लगभग इसके पहले 20% इनका जो गैस का कट किया था, जो डोमेस्टिक गैस होता है दोस्तों। देखिए ये कंपनी करती क्या है बेसिकली, अगर मैं इसकी बिजनेस की बात करूँ तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, जो कि आप कह सकते हैं कि दिल्ली में इसका बिजनेस देखने को मिलता है ज़्यादातर, और MGL की बात करें तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, जो कि दोनों स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो IGL की अगर बात करूँ तो 20% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कहने का अर्थ क्या है कि ये जो पेट्रोलियम खनिज जो भी है दोस्तों, मतलब पेट्रोलियम लिक्विड जो भी ये बेचते हैं गैस, तो गैस आता कहाँ से इनके पास? बेसिकली आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से इनको मिलता है दोस्तों। गवर्नमेंट की अगर बात करूँ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अगले महीने शायद इसके पहले भी 20% इनको जो है कि मतलब कम दिया था, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। और इस महीने भी अगर मैं बात करूँ तो आज से जो है कि 20% इनको कम मिलेगा। तो देखा जाए तो इसी दो महीने में लगभग आप कह सकते हैं कि 40% जो कि इनकी गैस की जो लिमिट थी दोस्तों, मतलब जो सप्लाई था, वो देखा जाए तो डाउन होते हुए दिखेगा, जिसके कारण इनके मतलब कि देखा जाए तो दोस्तों, तो रेवेन्यू की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, मतलब इनका जो वैल्यूम है उसकी ग्रोथ में कुछ चांस मतलब कि कम हो सकते हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, आज के दिन अगर आप देखेंगे तो GAIL की अगर बात करूँ तो GAIL में देखा जाए इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की ही कंपनी है, और यहाँ पर मतलब कि देखा है, मतलब जो भारत पेट्रोलियम की बात करूँ तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों MGL और IGL को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों स्टॉक में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, जो कि भविष्य की अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ एज ए ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग, अब कह सकते हैं कि इसको जो है कि उन्होंने डाउनग्रेड भी कर दिया, मतलब सेलिंग किधर भी देखो दोस्तों, ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटेलर को या तो इन्वेस्टर को परेशान कर रहा था, वापस वो लोग बोल रहे हैं कि आप इसको एक तरफा जिस प्राइस पे हो आप चाहो तो सेल करके निकल जाओ। तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों जो लोग वो बता रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले तो इनको वहाँ से अगर कम मिलेगा तो क्या करेंगे, प्राइस महंगा करेंगे। प्राइस अगर जब महंगा होगा दोस्तों तो उसमें क्या होगा, आप सभी लोगों को पता है कि जो ये तो एक प्राइवेट प्लेयर हैं, ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है एक प्राइवेट प्लेयर हैं, तो मार्केट में गवर्नमेंट की भी कुछ चीज़ें अवेलेबल है, कंपनियां हैं, तो हो सकता है कि उनकी वैल्यूम कुछ बढ़ सकती है, जिसके कारण इनमें गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए ऐसा मेरा मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, फिलहाल देखा है तो जेफरीज ने भी इस कंपनी को डाउनग्रेड किया, जिसके कारण और भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 6% मतलब जो कि स्टॉक में गिरावट है, उसके पहले जो है 20% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। अपने को इस स्टॉक में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जैसे NCR की अगर बात करूँ, दिल्ली साइड में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, कानपुर में, इन सब जगह पे इस कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस कंपनी की बात करें, जॉइंट वेंचर प्रमोटेड बाय द GAIL इंडिया लिमिटेड, ये भारत पेट्रोलियम है, सबके साथ इस कंपनी का जॉइंट वेंचर भी देखने को मिलता है। ये 22,000 करोड़ की कंपनी है, 45% प्रमोटर के पास स्टेक है, ROC सारा बेस्ट है, डेट कंपनी के ऊपर एक भी नहीं है। हालांकि अभी तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखा जाता था, और अभी देखा जाए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं एक प्रकार से निगेटिव वे में देखा जा रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे थे कि आप बैलेंस शीट को एनालाइज नहीं करते, ये चीज़ें नहीं देखते, फिर आप जो है कैसे कर देते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें बोल देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या है कि आज से नहीं, आप हमारी वीडियो को हो सकता है बहुत सारे लोग आज देख रहे हों, लेकिन एक ही चीज़ को कई बार तो हमने रिपीट किया है, देखा है, तो उनके बैलेंस शीट को क्या आइडेंटिफाई करने का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इससे ही अंदाज़ा लग जाता है। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर 0 है,
तो मतलब कंपनी प्योर डेट फ्री है, इस हिसाब से मतलब किसी से अंदाजा लग जाता है कंपनी के ऊपर कितना हाई डेट है, कंपनी के पास कितना रिजर्व्स है। तो इन सब चीज़ों को मतलब क्या है कि थोड़ा सा मैं इग्नोर भी करके चलता हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें मतलब कि एक मेन मेन टॉपिक रहती है उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो है कि मतलब बैलेंस शीट देख लिया, तो बैलेंस शीट को देख करके ही आप चाहे तो किसी स्टॉक में निवेश तो करते नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला तो FISDIS की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने भी मतलब कि DIS ने सेलिंग किया है, हालांकि FIS ने बाइंग किया है। वहीं पर अगर मैं प्रमोटर और पब्लिक की बात करूँ दोस्तों तो इतना कुछ खास नहीं, पब्लिक देखा इतना कुछ खास नहीं है, और देखा प्रमोटर और FISDIS इन्हीं तीनों के पास स्टेक देखने को मिल जाता है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे हैं फिलहाल हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कुछ समय के लिए आप चाहे तो होल्ड करें। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ें देखिए, कोई भी परेशानी जो है कि शॉर्ट टाइम नहीं होती उसका, थोड़ा सा मतलब कि या माफ़ करना लॉन्ग टाइम नहीं होती, कुछ कम समय में उसका सोल्यूशन भी निकलता है। तो अभी क्या होता है दोस्तों, पहले कंपनी क्या डिसीजन लेती है, क्या प्राइस हाइक करेगी या इनको आगे से माल कम मिलेगा तो क्या करते हैं, इस पर क्या इनका ओपिनियन आता है दोस्तों, ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए फिलहाल चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं। हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरे पॉइंट से अभी फिलहाल के लिए, अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग्स आपने हैवी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करके रखा है तो मैं इतना ही कहूँगा आप फिलहाल के लिए होल्ड ही रखें, नया इन्वेस्टमेंट इसको ओरिजिन करने के चक्कर में ना पड़े, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। गिरावट होती थी कंपनी मेरे पॉइंट से 300 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है, लगभग आप 250 रुपये भी कंसीडर मतलब सोच सकते हैं दोस्तों कि 250 रुपये तक भी आ सकती है, 200 रुपये भी आ सकती है, क्योंकि जिस टाइप की न्यूज़ जिस टाइप की सिचुएशन देखने को मिल रही है उस टाइप से मैं बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।